हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी एक्सप्लोर्स। और आप लोग कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। आज हम लोग जयानगर बेंगलोर का एक काफ़ी अच्छी प्रोमिनेंट जगह है, वहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। तो इस ब्लॉग में आपको जयानगर और उसके आसपास के एरिया के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। जयानगर में फोर्थ ब्लॉक में गणेश टेंपल है, तो हम लोग अपने हमको ऑटो वाले से बोला था तो उन्होंने हमें वहीं पर उतारा, तो लेकिन उस समय वो गणेश टेंपल बंद था तो इसलिए अंदर का तो हमें व्यूज़ नहीं मिले, लेकिन बाहर से जितना भी हम फ़ोटो खींच सकते थे वो आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू। जयानगर जो है कई सारे, जैसे जेपी नगर, विल्सन गार्डन, बनशंकरी सेकंड स्टेज, गुरा पाल पन्ना पाल्या और सद्दा गुंडे पाल्या और बीटीएम लेआउट, इनसे चारों तरफ से इंटरकनेक्टेड है। तो और ये लाल बाग के पास में है, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन, जब हम बस से आ रहे थे तो ये पास में ही है उसके एरिया, ये तो इंटरकनेक्टेड है काफ़ी। और इसको इन्होंने 10 ब्लॉक्स में शायद बांटा हुआ है, जिसमें से थर्ड और फोर्थ ब्लॉक्स जो हैं लार्जली कॉमर्शियल हब्स हैं, जहां पर आपको बहुत सारे शॉप्स, मॉल्स, दुकानें और फूड के एटरी आपको मिल जाएंगे। और कर्नाटका में जयानगर को कहते हैं, स्प्लिट करा है जया और नगर, लिटरली मीनिंग विक्ट्री सिटी, ऐसा ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे संघ में हैं। और फाउंडर ऑफ जयानगर वाज लेड इन द ईयर 1948 में। तो ये पहला प्लांट सिटी है बेंगलोर का, और कहते हैं कि उस समय पर एशिया में लार्जेस्ट था ये। ये यहाँ का गणेश टेंपल है, काफ़ी पुराना टेंपल है और अंदर से काफ़ी अच्छी बड़ी मूर्ति है, लेकिन इस समय ये बंद मिला तो बाहर से ही आप इसका गणेश जी को हम लोग प्रणाम करते हैं और कृपा आशा करते हैं कि गणेश जी की कृपा सब पर बनी रहे। ये गणेश टेंपल जयानगर के फोर्थ ब्लॉक में स्थित है और फोर्थ ब्लॉक काफ़ी समृद्ध इलाका है यहाँ का। इसमें हलचल भरे बाजार हैं, आकर्षक कैफ़े हैं और खूबसूरत पार्क भी हैं यहाँ पर। नाइन्थ ब्लॉक जयानगर के एरिया में आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स मिलेंगे, स्मॉल शॉप्स मिलेंगी और हर तरीके का स्टॉल मिलेगा आपको, हर तरीके का। जयानगर का लेआउट जो है वो एक रिनाउंड इंजीनियर आर माधवन के लीडरशिप में हुआ है और उस समय ये सबसे लार्जेस्ट प्लांड अर्बन लेआउट था एशिया का, जयानगर 1948 में। और यहाँ पर अब हम लोग आगे फोर्थ ब्लॉक में चल रहे हैं तो ये मॉल जगह आ गई है मेन रोड पर। तो यहाँ पर आपको देखने को, देखिए कितनी सारी, एक तो गाड़ियाँ सब साइड से पार्क कर देते हैं, फिर ये साइड साइड इन्होंने ठेले लगा रखे हैं और ये देखिए बताशे। और क्योंकि ये थोड़ा करीब 1 बजे का वीडियो है तो वेंडर्स जो हैं अभी धीरे धीरे आ रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्लस फूलों से कितनी बढ़िया डेकोरेशन है, अरविंद का शोरूम, अरविंद स्टोर और काफ़ी नीट एंड क्लीन मार्केट है, चलते हुए मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। जयनगर काफ़ी पॉश एरिया है, मार्केट काफ़ी अच्छा है,
अभी तो हम लोग इसको पैदल घूम रहे हैं, कुछ एरिया हमने ऑटो में बैठ के भी कवर करा है क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, तो पूरा तो एक साथ एक दिन में कवर नहीं हो जाएगा। ये पीटर इंग्लैंड का शोरूम आ गया, ऑलमोस्ट सारे शोरूम ब्रांड्स के शोरूम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और चलने में भी आपको यहाँ पे मतलब आप आइए घूमते रहिए, कूल मार्केट है, कोई ज़्यादा கூட இன்னொன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேரு காத்தவராய். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். डोसा कैंप में हम लोगों ने एक बटर घी रोस्ट डोसा लिया, काफ़ी अच्छा था डोसा, और घी भी उन्होंने खूब अच्छे से लगाया, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करी घी लगाने में, देसी घी।
तो बहुत ही बढ़िया डोसा बना के दिया, और इडली ली थी तो इडली भी काफ़ी अच्छी बनाई इन्होंने। यहाँ पर पहले कूपन लेना पड़ता है, फिर आप काउंटर से अपना डोसा और जो भी सामान है आप ले सकते हैं, सेल्फ सर्विस है। तो काफ़ी अच्छा है, फूड अच्छा लगा यहाँ का। वॉक करते हुए हम लोग ये सब्जी वाली मार्केट में आ गए। यहाँ पर काफ़ी तरीके के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्लावर्स भी काफ़ी हैं। फ्रूट्स हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा अवोकाडो है, 200 रुपए का एक अवोकाडो, दो अवोकाडो के बराबर। तो क्वालिटी अच्छी है, लेकिन दाम भी भाई बहुत अच्छे हैं। मार्केट से बाहर निकलते ही है बर्तनों की काफ़ी बड़ा शोरूम है, और आगे जाके वेंडर्स हैं सारे रोड साइड। Ryan, Kalki 2898 80, Ungal Prime Video.
यहाँ कोस्की का भी अच्छा बड़ा शोरूम है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल यहाँ कोस्की में मिलता है। वेरी पॉपुलर ब्रांड साड़ी, लहंगा, शादी का शॉपिंग सारा चीज़ें यहाँ पे कोस्की में। बहुत ही फेमस शॉप है। बस स्टॉप के पास, जयनगर बस स्टॉप के पास बहुत ही बड़ा मार्केट है रोड क्रॉस करते ही। इस समय हम उसी के अंदर हैं और ये देखिए बहुत सारे जूतों की दुकानें घूमते हुए आपको यहाँ कम से कम आधा घंटा निकल जाएगा, इतना बड़ा मार्केट है ये अंदर ही अंदर। और ये सुबह सुबह अभी जमा रहे हैं अपनी दुकानें, तो ये कपड़ों के हैं, बहुत तरीके के चश्मे हैं यहाँ पे, कैप्स हैं, पैंट शर्ट, और सस्ता है ये वाला मार्केट। बहुत सारी यहाँ पे फ्रेम्स हैं, शीशे, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स हैं, भगवान जी की भी है बहुत पेंटिंग अच्छी बढ़िया, और पूजा का भी बहुत सामान है यहाँ पर। अब गणेश चतुर्थी आ रही है तो इसीलिए यहाँ पे पूजा का सामान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लोग खरीद ही रहे हैं। इस मार्केट में आपको घर 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 गृहस्थी से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी चाहिए तो वो भी यहाँ पर शॉप है लगी हुई। पूजा के सामग्री चाहिए वो भी यहाँ पर हैं, और लोग भी काफ़ी यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं घर के लिए, शायद आने वाला है गणेश चतुर्थी का तो उसके लिए लोग भी शॉपिंग कर रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा बड़ा मार्केट है।
ஒன்னு கூட இன்னொன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேர் காத்தவரன். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். Thank you.
ஒன்னு கூட இன்னொன்னு பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேர் காத்தவராயன். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். பிரம்மாண்ட பிளாக்பஸ்டர் திருவிழா. என் பேர் காத்தவராயன். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உலகம் ஒரு உலகம், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இன்னொரு பெரிய உலகம் இருக்கு. ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்துக்க, இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைட்லயும் தோத்து போ, இதுலயும் தோக்க மாட்டேன். காணுங்கள் ராயன் கல்கி 2898 AD உங்கள் பிரைம் வீடியோவில். Thank you.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.